डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल पैटर्न का डिफरेंट बेसिस पे कैसे होता है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ये एक कलर एंड डिज़ाइन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब जो टेक्सटाइल डिज़ाइन में जो बेसिस हैं, वो कौन कौन से बेसिस हैं जो यूज किए जाते हैं, जो फैब्रिक, जिनके आधार पर फैब्रिक बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सबसे पहला है ज्योमेट्रिक बेसिस, जिसमें स्क्वायर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, सर्किल हो सकता है, जितने भी ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं वो सारे ज्योमेट्रिक बेसिस में आएंगे, जिसमें टेक्सटाइल डिज़ाइन क्रिएट होती है। अगला बेस है ड्रॉप और ड्रॉप रिवर्स अरेंजमेंट। इसमें क्या है, डिज़ाइन की जो रिपीट है वो ड्रॉप की जाएगी या रिवर्स की जाएगी, उस पर डिपेंडेंट करता है। तो ये ड्रॉप और ड्रॉप रिवर्स अरेंजमेंट हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। अगले बेसिस हैं ऑगी बेस हैं, वीबलाइन बेसिस हैं, जो डिफरेंट टाइप के इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए फैब्रिक में यूज किए जाएंगे, इनको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। और बहुत सारे सार्टेन अरेंजमेंट हैं जिनके द्वारा भी हम फिगरिंग को चेंज कर सकते हैं स्टार्टिंग अरेंजमेंट के आधार पर। तो उनको भी, ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को है तो आप लोग क्वेरी डाल सकते हैं, तो हम आगे इसे ब्रीफ कर देंगे। हाफ ड्रॉप डिजाइन का मतलब है किसी एक कंप्लीट डिजाइन को या कंप्लीट रिपीट को हम जब चार भागों में बांटें, उसे हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बाइसेक्ट करें, तो इसमें क्या होगा, जो अल्टरनेट हाफ पोर्शन है वो सिमिलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो पोर्शन है वो इसके सिमिलर है, ये वाला पोर्शन इसके सिमिलर है, तो ये क्या है, हाफ ड्रॉप डिजाइन। तो फिर से समझेंगे हम, किसी भी डिजाइन को जब हम चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो उसके अल्टरनेट पोर्शंस हैं, जो अल्टरनेट पोर्शंस हैं वो एग्जैक्टली सेम हो, तो वो डिजाइन हाफ ड्रॉप डिजाइन कहलाती है। तो ये क्या है, ये वाला पोर्शन इसके इक्विवेलेंट है, ये वाला पोर्शन इसके इक्विवेलेंट है, तो ये जो कंप्लीट डिजाइन है ये हाफ ड्रॉप डिजाइन है। आई थिंक मैं काफी कुछ क्लियर हूँ, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ हाफ ड्रॉप डिजाइन। हाफ ड्रॉप डिजाइन के कौन कौन से बेसिस होते हैं, हाफ ड्रॉप डिजाइन के चार बेसिस होते हैं, पहला डायमंड, ऑगी बेस, तीसरा डायगोनल वीप लाइन बेस, चौथा राइट ट्रायंगल बेस। हमने जो पीछे हमने डिटेलिंग में पढ़ा था कि बेसिस ऑफ डिजाइन है, उसमें ज्योमेट्रिक बेसिस थे, ऑगी बेस था, डायगोनल लाइन बेस था, तो ये हम सब चीज़ों को हम हाफ ड्रॉप डिजाइन के आधार पे हम पढ़ने जा रहे हैं। डायमंड बेस, डायमंड बेस कैसे हमें प्राप्त होता है, जब हम किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल को हम मिडिल पार्ट जो साइड से उसकी मिडिल पार्ट को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो उससे हमें डायमंड बेस प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल, ये अगर हम मान लेते हैं एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो इसमें हमने जो साइड्स ली हैं, साइड्स के हमने मिडिल पॉइंट लिए, ये मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है, ये भी मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट है, इन्हें हमने आपस में मिला दिया, जो हमारा बेस बना ये अपना डायमंड बेस बना। तो डायमंड बेस कैसे बनता है, जब हम किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं उनके मिडिल पॉइंट को आपस में जोड़ देते हैं, तो ये जो फोर साइड की जो शेप बनती है वो डायमंड शेप बनती है। अब ये कौन सी डिजाइन में मोस्टली सर्विसेबल है, कहाँ सर्विस करता है, जहाँ पर भी हमारी डिजाइन का स्ट्रक्चर डायमंड शेप के अंदर बन रहा हो, ऐसे केस में ये वाला जो पार्ट है वो हमारा ब्रीफली काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हम अगर डिजाइन को हम देखते हैं, इस डिजाइन को अगर हम देखें, इसे हम इनलार्ज कर देते हैं, इस डिजाइन को अगर हम देखें, तो ये वाली डिजाइन हमारी डायमंड शेप के अंदर बन रही है, और जो रेक्टेंगल के जो बाहर वाले पार्ट हैं, अगर हम इन चारों पार्ट को भी मिला देते हैं, तो एक हमारा न्यू डायमंड बनता है। तो मतलब ये हमारी जो कंप्लीट रिपीट है, ये हमारी जो डिजाइन है वो डायमंड डिजाइन है, और अगर हम इन दोनों चारों पार्ट को बनते, तो ये जो कंप्लीट रेक्टेंगल बना रहा है वो दो डायमंड बना रहा है। तो इस हिसाब से
ये हमारा डायमंड डिजाइन है, जो डायमंड बेस है, ठीक है। ऐसे डायमंड बेस क्लियर है। हम ऑगी बेस की बात करते हैं, ऑगी बेस कैसे बनता है। इसमें सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल या स्क्वायर है उसको चार इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं। हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल को हमने चार भाग में डिवाइड कर दिया है, यहाँ ठीक है, चार भागों में हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ एक डायगोनल बनाया, एक पार्ट में हमने यहाँ डायगोनल बना दिया, ठीक है। डायगोनल बनाने के बाद हमने क्या किया है, हमने इस डायगोनल को बाइसेक्ट किया, मतलब दो इक्वल पार्ट में जी पे बाइसेक्ट किया, मतलब दो इक्वल भागों में बांट दिया। जी पॉइंट क्या है, इसका मिडिल पॉइंट है इस डायगोनल का, ठीक है। फिर हमने एफ जी का मिडिल पॉइंट लिया, जो डायगोनल का एक पॉइंट था एफ और दूसरा ई है, एफ ई का हमने मिडिल पॉइंट ई लिया था। अब हमने एफ जी का मिडिल पॉइंट लिया यहाँ पे जे, और जो जी का मिडिल पॉइंट हमने लिया इसे हमने बाइसेक्ट किया। अब हम इस पॉइंट की सहायता से इस पे एक कर्व बनाएंगे, यहाँ हमने कर्व बनाया ऐसे। अब यहाँ पे दूसरे डायरेक्शन में हमने कर्व बना दिया इस मिडिल पॉइंट, मतलब एच पॉइंट से हमने ये वाला कर्व बना दिया। सेम शेप का कर्व हमने जो हमने के पॉइंट से जो हमने कर्व बनाया था, ऐसे एच पॉइंट से सेम शेप का कर्व बनाया। तो इस हिसाब से जो कंटिन्यूस लाइन बनी हमारी, ये कर्व लाइन बनी। अब हम सिमिलर डायगोनल, ये वाला डायगोनल लेंगे। अब ये वाला पॉइंट यहाँ से जुड़ते हुए इसी हिसाब से हमें इसके सेंटर भी डिसाइड करने हैं, इसी हिसाब से इसके सेंटर डिसाइड करने हैं। जो कर्व हमने इसके मिडिल पॉइंट से लिया था उसी हिसाब से हमने इसके मिडिल पॉइंट से ही हमने वो कर्व यहाँ बना दिया, ठीक है। तो जो कर्व बना दिया तो इसका शेप भी वैसे ही आया। अब ऐसे ही यहाँ पे भी हमने वो उसी मेथड से कर्व बना दिया, ऐसे ही इसी मेथड से ये कर्व बना दिया। तो जो शेप हमारी ऑब्टेंड हुई ये हमारा क्लोज्ड ऑगी बेस बना। अब इसकी डिजाइन तो अगर हम देखने जाते हैं तो ये जो डिजाइन है ये डिजाइन क्लोज्ड ऑगी बेस की डिजाइन है। आई थिंक ये डिजाइन सभी को क्लियर होगी, क्लोज्ड ऑगी बेस की डिजाइन है ये, ठीक है। तो हम इस डिजाइन को, हमें ऑगी बेस आई थिंक क्लियर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम ऑगी बेस के टाइप पे जाते हैं कि ऑगी बेस हमारा कितने टाइप का होता है। सबसे पहला क्लोज्ड ऑगी बेस जो हमने पीछे पढ़ा, दूसरा ओपन ऑगी बेस। ओपन ऑगी बेस में क्या होगा, इसमें जो लूप्स हैं वो ओपन होंगे। ये जो ई फिगर है इसमें जो लूप्स हैं जो आपस में जुड़े हुए थे इसमें ये ओपन होंगे, तो ये ओपन ऑगी बेस होगा। अब ओपन ऑगी बेस की अगर हम डिजाइन को देखने जाएं तो ये वाली जो डिजाइन है ये ओपन ऑगी बेस की डिजाइन है। यहाँ अगर हम देख सकते हैं कि ये इसके मुंह खुले हुए हैं तो ये ओपन ऑगी बेस की डिजाइन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट है इंटरलेसन ऑगी बेस। इसमें जो ऑगी बेस की जो लूप्स हैं वो लूप्स हैं वो आपस में अगर इंटरलेस कर रहे हो तो उसे हम इंटरलेसिंग ऑगी बेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो ऑगी बेस है ये ऐसा गया, ठीक है, और ये ऐसा, ये यहाँ पे ऐसा गया। तो ये जो इंटरलेसिंग ऑगी बेस है जो आपस में इंटरलेस कर रहे हैं, ऐसे ही ये जो बाहर वाला पार्ट यहाँ आया हुआ था इसका दूसरा अपोजिट वाले का पार्ट भी यहाँ घुसेगा तो इस वजह से ये यहाँ पे भी इंटरलेस करेगा, तो ये इंटरलेसिंग ऑगी बेस है। आई थिंक ये इंटरलेसिंग ऑगी बेस क्लियर होगा। अब इंटरलेसिंग ऑगी बेस के बाद आता है क्लोज्ड और ओपन ऑगी बेस, मतलब क्लोज्ड भी है और ओपन भी है।
यहाँ पे अगर हमें इंटरलेसिंग देखना है तो ये इंटरलेसिंग होगी, बेस की डिजाइन है इस तरीके से बनती है, ये आपस में इंटरलेस कर रहे हैं बेस होगी बेस, तो ये इंटरलेसिंग होगी बेस की डिजाइन है। अब हम आते हैं क्लोज और ओपन होगी बेस, इसका मतलब है इस डिजाइन में क्लोज होगी बेस भी बनेगा और इंटरलेस और ओपन होगी बेस भी बनेगा। अब अगर हम जी फिगर को देखते हैं, यहाँ जी फिगर को देखें तो ये वाला तो अपना ये यहाँ से जो जा रहा था इसे और एनलार्ज कर लेते हैं, ये यहाँ से जो जा रहा था ये अपना ओपन होगी बेस है, ऐसे ही ये नीचे वाले में नीचे वाली साइड है ये भी ओपन होगी बेस की है। अब हम आते हैं क्लोज होगी बेस की, तो ये क्लोज होगी बेस की जो साइड, तो आई थिंक ये सफिशियंटली क्लियर होगा, ये ओपन और क्लोज दोनों की कॉम्बिनेशन का होगी बेस है। अगर हम इसकी डिजाइन को देखने जाएँ तो ये जो डिजाइन बन रही है तो ये जो डिजाइन है ये अपनी ये क्लोज होगी बेस है और ये वाला जो पार्ट है ये ओपन होगी बेस का है, तो ये वाली डिजाइन हमारी क्लोज और ओपन होगी बेस की है। अब हम अगले पे जाते हैं इंटरलेसिंग एंड ओपन होगी बेस। इंटरलेसिंग को तो हमने जैसे इंटरलेसिंग यहाँ एज इट इज वही बना दिया, एज इट इज हमने यहाँ इंटरलेसिंग होगी बेस बनाया हुआ है, यहाँ देखें ये जैसे हम मार्क चला रहे हैं वहाँ देखते जाएँ तो ये इंटरलेसिंग होगी बेस है, और जो ओपन होगी बेस है वो किस हिसाब से बनाया हुआ है ये वाला ओपन होगी, तो जो कॉम्बिनेशन है वो इंटरलेसिंग ओपन होगी बेस का है। तो ये इतने टाइप के जो होगी बेस हैं जो हमारे डिजाइनिंग में। अब हम बीफ्ड लाइन की बात करते हैं, बीफ्ड लाइन सिमिलर मैनर पे बनती है जैसे हमने जो अपना नॉर्मली ऑगी वाला जो हमने बनाया था बस सिमिलर मैनर में बनती है, लेकिन इसमें क्या है जो लाइन है ये कंटिन्यूस चलती जाती है, बस इतना डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल हमने ये स्क्वायर लिया था, हमने इसका जो डायगोनल बनाया, डायगोनल बनाने के बाद इसका मिडिल पॉइंट लिया, फिर उन दोनों का मिडिल पॉइंट लिया, उससे हमने एक कर्व बना दिया, ये हमने हमारा कर्व है। अब यहाँ पे भी जो डायगोनल जाएगा उसमें कैसे बनेगी, ये डायगोनल कंटिन्यू हो जाता है उसमें, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ से जो कर्व का जो पॉइंट यहाँ से है, तो इस हिसाब से ये बीफ्ड लाइन बन जाती है, और जैसे अगली रिपीट जुड़ेगी तो बीफ्ड लाइन ये वर्टिकली डायगोनल डायरेक्शन में कंटिन्यू होती जाती है। अगर हम इसकी डिजाइन को देखते हैं तो ये डिजाइन इस प्रकार से दिखती है बीफ्ड लाइन, तो आई थिंक बीफ्ड लाइन बेस क्लियर होगा, ये होगी बेस का ही है, सिमिलर कंस्ट्रक्शन है, बस डिफरेंस क्या है इसमें जो डायगोनल है वो कंटिन्यूएशन में है, वो एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, और अगली रिपीट जुड़ेगी तो ये डायगोनल और ऊपर बढ़ता जाएगा, तो डायगोनल भी ये लाइन बढ़ती जाती है, तो ये बीफ्ड लाइन इफेक्ट है। आई थिंक ये परफेक्टली क्लियर है, जब अगली रिपीट आएगी तो इसका प्राइमरी ये होगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ने के बाद फिर से यही शेप दे देंगे, तो आई थिंक ये परफेक्ट डिजाइन का एग्जांपल है बीफ्ड लाइन इफेक्ट का। अब हम आते हैं रेक्टेंगल इफेक्ट, जो रेक्टेंगल है जो इसमें क्या है जो शेडेड एरिया है वो एक दूसरे के एक रेक्टेंगल है, इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड किया, जो शेडेड एरिया है वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ये एरिया इसके सिमिलर होगा, ये एरिया सिमिलर होगा, तो ये रेक्टेंगल बेस है। अब इसमें क्या है हाफ टॉप डिजाइन का जो बेस है, तो इसमें क्या होगा ये वाला जो एरिया है वो इसके इक्विवेलेंट है, ये वाला एरिया जो इसके इक्विवेलेंट है, जो हमने हाफ टॉप डिजाइन में जो हमने डेफिनेशन जब समझाई थी तो जो प्राइमरी डिजाइन थी वो रेक्टेंगल बेस की बनी, तो ये रेक्टेंगल बेस की, ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं ड्रॉप रिवर्स डिजाइन में, ड्रॉप रिवर्स डिजाइन में क्या होगा, ऐसी डिजाइन जिसको हम चार इक्वल पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो जो अल्टरनेट सेक्शन की डिजाइन हैं वो ऐसी डायरेक्शन में सिमिलर होती है कि जब उन्हें हम टर्नओवर करते हैं तो वो सिमिलर होती है। फॉर एग्जांपल ये डिजाइन और ये डिजाइन, जब हम इस डिजाइन को टर्नओवर कर देते हैं, मतलब हमने एक वर्टिकल सेक्शन में हमने एक मिरर लिया, उसको हमने टर्नओवर कर दिया, हमने मिडिल सेक्शन में एक मिरर को रखा, यहाँ मिडिल सेक्शन है, इस पर हमने एक मिरर को रखा,
और उसके एक्रॉस हमने डिजाइन को रोटेट कर दिया। फॉर एग्जांपल कोई पेज है, पेज को हमने फोल्ड किया फिर अनफोल्ड कर दिया, तो ये डिजाइन का ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो इस साइड आ जाएगा, ये वाला डिजाइन का ये पार्ट है इस साइड आ जाएगा। तो ऐसी डिजाइन जब हम उसे चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो जो उसके अल्टरनेट सेक्शन है वो टर्न ओवर करने के बाद सिमिलर होते हैं। तो ऐसी डिजाइन को हम ड्रॉप रिवर्स डिजाइन कहते हैं। ठीक है, जो ड्रॉप रिवर्स डिजाइन के जो बेसिस हैं वो जस्ट लाइक द सेम एज द हाफ ड्रॉप डिजाइन के बेसिस, मतलब इसमें भी डायमंड बेस होगा, इसमें भी ऑगी बेस होगा, इसमें भी डीप लाइन बेस होगा, इसमें भी रेक्टेंगल बेस होगा। ये वाली जो डिजाइन है ये हमारी रेक्टेंगल बेस पर डिजाइन है। तो आई थिंक ड्रॉप रिवर्स डिजाइन भी परफेक्टली क्लियर होगी। अब यूनिट और रिपीट कंपेयर, यूनिट और रिपीट में क्या डिफरेंस है हम उसको पढ़ते हैं। यूनिट का मतलब है कि ऐसी एक डिजाइन की एक यूनिट वो होती है जो उस डिजाइन में बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है। जरूरी नहीं है कि जो उसका जो रिपीट है डिजाइन की जो कंप्लीट रिपीट है उसमें एक या एक से अधिक यूनिट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए पार्ट की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट डिजाइन में बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, इससे हमारा कंप्लीट डिजाइन बन भी रही है। तो ये यूनिट भी है, ये एक रिपीट भी है। अब हम बी डिजाइन की बात करें तो इसमें जो स्क्वायर है, जो हमने यहाँ पे शेडेड स्क्वायर बनाया हुआ है, जो बी बी वाला जो हमने शेडेड स्क्वायर बनाया हुआ है, ये इस डिजाइन की एक यूनिट है। लेकिन अगर हम रिपीट की बात करें तो ये दो या दो से अधिक बार रिपीट होकर ये कंप्लीट डिजाइन को बना रहा है। तो रिपीट यूनिट इज द सब पोर्शन ऑफ रिपीट, मतलब एक यूनिट रिपीट के इक्विवेलेंट भी हो सकती है और रिपीट का एक सब पार्ट भी हो सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो आई थिंक इसमें कंफ्यूज नहीं होना है यूनिट और रिपीट में। तो ये अपना जो यूनिट थी वो आज यहाँ से ये कंप्लीट होती है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इस वीडियो के नीचे आइकॉन में डाल सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी है।